भगवान के कंधे पर बैठना चाहती थी, जैसे बैठना चाही वैसे भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह भी भगवान के विरह में वही पड़ी थी, और जब गोपियां भगवान को ढूंढ रही थी तो वह माननी गोपी थी, उन गोपियों के साथ सम्मिलित होकर के आज यमुना माता के तट पर जा करके एक सुंदर गीत गाई है, जिसको हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं। संतों का मानना है कि भैया इस गीत को जो भी भक्त भाव से रात्रि शयन से पहले पाठ करता है उसे एक ना एक दिन गोविंद जरूर दर्शन देते हैं, प्रभु जरूर दर्शन देते हैं। तो आइए इस भाव को दो चार लाइन हम लोग भी गुनगुनाएं। गोपिया कह रही है, गोप्य पूछो जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत गिरा सरस्वत महाराज जी। अभी इसी यज्ञ में ये जो आपका चल रहा था प्रवचन, तो ये श्रीमद् भागवत जी अभी कौन से विषय पे बात कर रहे थे? श्रीमद् भागवत कथा के दशम स्कंध लास्ट पंचाध्याय पर कथा भी कर रहे थे जी। तो वैसे में अभी आप कहाँ से आए हुए हैं? वैष्णव से हम वृंदावन से आए हुए हैं। वृंदावन से यहाँ पे आए जी। अभी कितने दिन कथाओं में आपने अभी भागीदारी दिखाई है? अभी कितने दिन? आज मेरा कथा का द्वितीय दिवस है, 11 का विश्राम दिवस है। तो यहाँ के लोगों से आप मिले, यहाँ के लोगों से बातचीत हुई आपकी, तो कैसा अनुभूति हुआ? लोग तो श्रद्धालु भक्त हैं, मेरे पूज्यपाद जो महाराज जी हैं वेदांत मार्तंड गोपालाचार्य जी महाराज, उनका यह जन्मभूमि है, और काफ़ी भक्त जन्मभूमि में इतना बड़ा एक छोटा सा गांव में इतना बड़ा यज्ञ कारण ये सिद्ध करता है कि यहाँ के भक्त कितना श्रद्धालु और कितना रसिक और कितना भावुक है। ऐसे कथा के दौर में आपको तो बहुत दूर दूर तक जाने को मिला होगा, और यहाँ यहाँ चल के आए तो यहाँ के जैसे महाराज जी का तो ठीक है आप स्वभाव जान रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के स्वभाव से आपके साथ कहाँ कहाँ पे आपकी कथाएं हो चुकी हैं? कथा तो हर जगह, नेपाल में भी, भारत में उमन जगह हुई है, MP, UP, बिहार, झारखंड, गुजरात, सभी जगह जी। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है पीताम्बर कृष्ण शास्त्री है नाम। तो आप कहीं धाम में रहते हैं? कौन सा धाम में रहते हैं? धाम वृंदावन में ही रहते हैं। वैसे हम संपूर्ण यूनिवर्सिटी में भी अध्ययनरत हैं, आचार्य फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हैं 90 व्याकरण से। धन्यवाद।